आज पुराने संसद भवन से न सिर्फ हम नए संसद भवन की तरफ जा रहे हैं, बल्कि ये देश भी नए इतिहास की तरफ आगे बढ़ रहा है। ये देश भी नए आयाम की तरफ आगे बढ़ रहा है। जहां एक तरफ पुराने संसद भवन को छोड़कर नए संसद भवन में आज देश के सांसद एंटर करेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ आज नए संसद भवन में वो होगा जिसका इंतजार 27 सालों से इस देश की आधी आबादी कर रही थी। जी हाँ, आज की दो बड़ी खबरें हैं। पहली बड़ी खबर ये है कि पुराने संसद भवन में आज सांसद फोटो अप के बाद नए संसद भवन में जाएंगे, और नए संसद भवन में जाकर जो सबसे पहला काम मोदी सरकार करने जा रही है वो काम है महिला आरक्षण बिल, जिसे महिला सशक्तिकरण बिल के नाम पर आप जानेंगे, जिसमें आधी आबादी को वो पूरा हक मिलेगा जिसका इंतजार देश की आधी आबादी 27 सालों से कर रही थी। 1996 में शुरू हुई एक कोशिश 2023 में आकर रंग लाती हुई नजर आ रही है। अब ये तय हो चुका है। सूत्रों के हवाले से जानकारी ये है कि आज नई संसद भवन में जो सबसे पहला काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे या उनकी सरकार करेगी वो होगा महिला सशक्तिकरण बिल, जिसका नया नाम है ये महिला सशक्तिकरण, यानी महिलाओं को सशक्त करने की जो एक भावना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में नजर आती है, मोदी सरकार में नजर आती है, वो भावना इस बिल में भी झलकेगी। वो बिल जिसे लाने की कोशिशें तमाम सरकारों की तरफ से की गई, लेकिन ये बिल कभी भी रंग नहीं लेकर आ पाया, ये बिल कभी पास नहीं हो पाया। लेकिन अब मोदी सरकार ने ये ठान लिया है कि नया इतिहास रचना है और देश की 50% आबादी यानी महिलाओं को वो गर्व महसूस कराना है, वो हक देना है जो आजादी के इतने साल बीत जाने के बाद भी महिलाओं को नहीं मिल पाया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि आज देश एक नए इतिहास की तरफ आगे बढ़ रहा है। आज न सिर्फ पुराने संसद भवन को छोड़कर नए संसद भवन यानी नए भारत की तरफ देश बढ़ रहा है, बल्कि आज एक बड़ा काम मोदी सरकार की तरफ से किया जाएगा। मोदी सरकार की जो एक स्ट्रांग इच्छा शक्ति है वो आज देखने को मिलेगी नए संसद भवन में। तमाम कार्यक्रम पूरा होने के बाद पूरे देश की निगाहें इसी बात पर रहेंगी कि जब महिला सशक्तिकरण बिल पटल पर आएगा तो उसका नया स्वरूप क्या होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिलाओं को लेकर, महिलाओं को सशक्त करने को लेकर अपनी सरकार किस तरीके से काम कर रही है, ये सरकार कितनी मजबूत है, कितनी गंभीर है, ये हमेशा जग जाहिर करते हैं प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा था वो हम आपको सुनवाएंगे। लेकिन आप देखिए इस वक्त जो पुरानी संसद है वहां से तस्वीरें सामने आने लगी हैं, क्योंकि एक फोटो अप होगा यानी फोटो सेशन होगा आज पुरानी संसद में। आज और कोई काम पुरानी संसद में होगा नहीं, बल्कि आज सिर्फ और सिर्फ फोटो सेशन होगा, और फोटो सेशन पुरानी संसद में होगा, सेंट्रल हॉल में होगा, और वहां पर जो तमाम सांसद हैं उनका जुटना शुरू हो गया है। तस्वीरें आपके सामने हैं, यानी कल पुरानी संसद में कार्यवाही का आखिरी दिन था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 75 साल के देश के इतिहास को कल लोकसभा में रखा था। तमाम प्रधानमंत्रियों के योगदान का जिक्र कल किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। और अभी जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रही थी वो तस्वीरें सामने आई हैं पुराने संसद भवन से, क्योंकि आज पुराने संसद भवन के सेंट्रल हॉल में तमाम जो सांसद हैं वो फोटो सेशन के लिए जुटेंगे, और फोटो सेशन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो नए भारत की बात करते हैं उस नए भारत की झलक एक बार फिर से पूरी दुनिया के सामने रखते हुए नजर आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसे देश के गौरव की बात करते हैं, कैसे देश की महिलाओं की बात करते हैं, आधी आबादी को पूरा हक दिलाने की बात करते हैं, आपको सुनवाते हैं। का पावन पर्व है, गणेश जी विघ्नहर्ता देवता माने जाते हैं। अब भारत की विकास यात्रा में कोई विघ्न नहीं रहेगा, निर्विघ्न रूप से सारे सपने सारे संकल्प भारत परिपूर्ण करेगा, और इसलिए गणेश चतुर्थी के दिन ये नव प्रस्थान, नए भारत के सारे सपनों को चरितार्थ करने वाला बनेगा। इसलिए भी ये सत्र छोटा है लेकिन बहुत मूल्यवान है। तो
तो सत्र छोटा है लेकिन बड़ा मूल्यवान है, ऐतिहासिक निर्णयों का ये सत्र है। प्रधानमंत्री ने कल ही इस बात की तरफ संकेत दे दिए थे और आज वो ऐतिहासिक दिन है जब महिला सशक्तिकरण बिल मोदी सरकार लेकर आएगी। इस बीच लोकसभा में नेता विपक्ष अधीर रंजन चौधरी क्या कुछ बोल रहे हैं आपको सुनवाते हैं। बिल्कुल सुरेंद्र, देखिए अधीर रंजन चौधरी को आपने कल भी लोकसभा के अंदर सुना था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के बाद कल लोकसभा में नेता विपक्ष अधीर रंजन चौधरी बोल रहे थे। हालांकि पीछे से जरूर सोनिया गांधी उनको गाइड करती हुई नजर आ रही थी, लेकिन सदन में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ही हैं। फिलहाल आप जो तस्वीरें देख रहे हैं ये तस्वीरें हैं पुराने संसद भवन की। आज पुराने संसद भवन में ये आखिरी वक्त है सांसदों के, और अपने अपने तरीके से जो सांसद हैं वो पुराने संसद भवन से जुड़ी हुई अपनी यादों को ताजा कर रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं, जो जगह निर्धारित की गई है तमाम सांसदों की वो जगह सांसदों की तरफ से ले ली गई है और एक एक करके अब तमाम सांसदों का जुटना शुरू हो गया है। पुरानी बिल्डिंग की विदाई समारोह को यादगार बनाया जा रहा है। इसके अलावा नेता विपक्ष और वरिष्ठ सांसदों का संबोधन भी आज होगा। इस मौके पर आज पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी बोलेंगे। मनमोहन सिंह के कार्यकाल का जिक्र कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में भी किया था। इस मौके पर आज मनमोहन सिंह बोल रहे हैं क्योंकि राज्यसभा का कार्यकाल सबसे लंबा मनमोहन सिंह का रहा है। इसके बाद मेनका गांधी बोलेंगी क्योंकि उनका लोकसभा का कार्यकाल सबसे लंबा रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के शिबू सोरेन भी आज इस विशेष अवसर पर बोलेंगे क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर उनका कार्यकाल सबसे लंबा रहा है। तो आज का दिन पूरे देश के लिए ऐतिहासिक है। आज का दिन ये बताने के लिए काफी है पूरी दुनिया को कि ये नए भारत की झलक है और नया भारत ऐसा दिखता है जहां हम अपने इतिहास को समेटे हुए भविष्य की तरफ देखते हैं और एक उज्जवल भविष्य की तरफ बढ़ते हुए नजर आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जब पुराने संसद भवन से संविधान को अपने हाथों में लेकर नए संसद भवन की तरफ बढ़ेंगे तो ये पूरे देश को एक संदेश होगा कि बेशक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आप कितने भी आरोप लगाते रहिए, पीएम कई बार कह चुके हैं, पीएम का वो भाषण आपको याद होगा जिसमें पीएम ये कहते हैं कि संविधान उनके लिए सर्वोपरि है, वो सिर्फ एक धर्म को मानते हैं, वो है संविधान। आज वही झलक एक बार फिर से तस्वीरों में देखने को मिलेगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।